हम तो इस मंच से हमारे पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खारगे साहब को यह गुजारिश करना चाहते हैं कि खारगे साहब, आप एक तरफ राहुल गांधी और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी जी को सारा हिंदुस्तान में ये मोदी जी के खिलाफ जंग लड़ने के लिए तैनात कीजिए। सारे हिंदुस्तान के सारे हम कार्यकर्ता जितने हैं उन सबके पीछे सिपाही के नाते हम संघर्ष करते रहेंगे और ये कहते रहेंगे न संघर्ष न तकलीफ, मजा क्या है जीने में, बड़ा बड़ा तूफान थाम जाएगी जब आग लगी हो सीने में। हम जरूर ये कामयाब होंगे। राहुल जी और प्रियंका गांधी जी दोनों मैदान में उतरे और ये जंग छेड़े। ये सबको पता चल गया कि मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री है, ये मोदी एक सिर्फ एक कायर की नाम होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ एक कायर है और कुछ नहीं। प्रियंका जी सच्ची बात बताएं, यहां अगर कायर ना होते तो राहुल गांधी जिस दिन सदन में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा करने के लिए हमारी तरफ से जिनकी नाम पेशकश किए थे हमें, वो राहुल गांधी जी के नाम हम पेश किए थे हमारे स्पीकर साहब के पास, मतलब सरकार के पास। और नियमों के मुताबिक सर सदन की शिष्टाचार के मुताबिक जब विपक्ष के तरफ से सदन में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे बहस होने शुरू होता है तो हमारी तरफ से जो हमारे लीडर जो अगुवाई करते हैं उनको भाषण सुना जाए और वो सुनने के लिए प्रधानमंत्री सदन में उपस्थित रहे। ये हमारा परंपरा है, ये हमारा सदन की शिष्टाचार है। लेकिन आपने देखा जिस दिन राहुल गांधी जी एक के बाद एक कच्ची चिट्ठा निकलकर एक के बाद एक घोटाला को उजागर करने में सदन के अंदर उपस्थित हुई थी, उस दिन सदन के अंदर मोदी जी बिल्कुल नदारद थे। आपको शायद ये जानकारी मिला होंगे या आप सदन की अगर कार्रवाई देखें तो पता चलेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि राहुल गांधी जी की जो भाषण, राहुल गांधी जी को जो शिकायतें एक के बाद एक दर्ज होते थे, मोदी जी की हिम्मत नहीं थी कि वो शिकायत को कम से कम सुन लिया करे। वो भागे हुए थे सदन से और राहुल गांधी जी की भाषण पे जब सारे देश में और दुनिया में लोगों के अंदर मोदी जी और अदानी के साथ जो नापाक तालुकात है, जो रिश्ते हैं, इस मुद्दे को लेकर जब सवाल उठना शुरू हो चुके हैं तो ये और एक काम किया। वो क्या जानते हैं, राहुल गांधी जी की जितने भाषण सदन में उन्हें रखे थे ये सारे भाषण को हटा दिया दस्तावेजों से। बजाय क्या है कि अगले पीढ़ी कभी किसी हालत में किसी अवसर में राहुल गांधी जी सदन में अंदर क्या कहे थे इस बारे में किसी को ना पता चले। तो कितना डरते हैं राहुल जी की भाषण पे, आप खुद पता कर लो। हमारे हिंदुस्तान की आजादी के इतिहास में ऐसा नहीं हुई कि किसी एक सदन की हमारे आम लोगों की नुमाइंदे होते हुए राहुल गांधी जी जब हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफदारी करते हुए अगुवाई करते हुए भाषण दिए वो सारे 75% मतलब दो तिहाई भाषण हटा दिया गया दस्तावेजों से। ये कायरत नहीं है तो और क्या है बताइए आप। ये सिर्फ कायरत है क्योंकि ये जवाब देने की कोई हिम्मत उनके पास नहीं है। राहुल जी की सवाल कि एक जवाब, राहुल जी जब मसला उठाई थी सदन के अंदर जो सवाल राहुल गांधी की तरफ से पूछे गए थे उसका एक जवाब, मैं बड़ी दावे के साथ कहते हैं एक जवाब हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी नहीं दिए। बल्कि वजह यह है कि दिखाते हैं बाहर 56 इंच छाती वाले एक महापुरुष है, लेकिन राहुल गांधी जी की ये जो तीखी सवाल थे उस सवाल से उनका 56 इंच छाती सिकुड़ते गए थे, वो भागे हुए थे।
तो राहुल गांधी जी को इसलिए हम कहते हैं, राहुल गांधी जी अब तूफान में पलते हैं, अब तूफान में पले हुए हैं, और जो तूफान में पलते हैं वो दुनिया को बदलते हैं। राहुल गांधी जी हिंदुस्तान को बदलाएंगे, बिल्कुल बदलाएंगे, ये हम बड़ी दावे के साथ कह सकते हैं। आपको सुनने में और भी हैरान होंगे आप, सदन में हम लोग बहुत सालों से हैं, आम लोगों की आप लोगों की दया और दुआ से बहुत सारे हमारे एमपीज भी हैं, सारे वरिष्ठ एमपीज भी हैं। सदन का नियमों के मुताबिक अगर किसी ने किसी के खिलाफ कोई इल्जाम लगाते हैं, सच ये झूठ की बात है, लेकिन जिसके खिलाफ अगर इल्जाम लगाते हैं उनका ही अधिकार होते हैं इसका जवाब देना। मान लीजिए मैं आपके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज करते हैं सदन के अंदर, सदन के नियमों के मुताबिक ये जवाब देने का अधिकार हमें मिलते हैं। और हमारे सदन के अंदर एक रूल बुक्स होते हैं, और रूल बुक के अंदर 357 मतलब 357 नियमों के मुताबिक राहुल गांधी जी की ये जवाब देने की हक बनते थे, अधिकार बनते थे। रोजाना हम लोग सदन के अंदर ये गुहार लगाए करते थे कि हमारे नेता राहुल गांधी जी के खिलाफ हिंदुस्तान की चार चार मंत्रियों ने एक के बाद एक झूठा इल्जाम, निहायत ही झूठ इल्जाम, भद्दे भद्दे इल्जाम लगाए थे, तो इसके चलते उनका अधिकार बनते हैं कि इनको जवाब देना चाहिए। लेकिन वो मौका राहुल गांधी जी को नहीं दिया गया। मुझे तो कभी कभी लगता है ये रूल्स का मतलब क्या होते हैं, ये रूल्स या फूल्स ये पता नहीं, रूल्स फॉर द फूल्स या फूल्स फॉर द रूल्स ये मुझे पता नहीं। आज क्या होते हैं, हमारे लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाए जा रहे हैं। मैं बिल्कुल ये कहना चाहते हैं, सदन के अंदर हो सदन की बाहर हो, हिंदुस्तान की लोकतंत्र की धज्जियां ये सत्तारूढ़ पार्टी जो आज सत्ता पे आए हैं इनकी बदौलत रोजाना होते रहते हैं। मोदी जी आप राहुल जी के सवाल के जवाब से ज्यादा दिन भागने नहीं पाओगे। राहुल गांधी जी की सदस्य पद आप खारिज किए हैं, आप सोच रहे हैं कि बड़े बहादुरी कर दिए हैं, बड़े बहादुरी कर दिए हैं आप, कायरता की चल इलावा और कुछ नहीं है। सारे हिंदुस्तान में मैं बड़ी दावे के साथ कह सकता हूं, राहुल गांधी जी के समर्थन में एक नए तरीके से लहर पैदा हो चुके हैं। राहुल गांधी के समर्थन में सारे हिंदुस्तान में एक लहर पैदा हुए हैं, लोग राहुल गांधी जी को समर्थन करने लगे हैं, हमारे सारे विपक्ष एकजुट हो चुके हैं। इसका मतलब आज नहीं तो कल हिंदुस्तान की सत्ता से मोदी जी आपको चले जाना तय हो रहे हैं। आप निश्चित रहिए, ये अहंकार हिंदुस्तान के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या इल्जाम लगाए हैं आप, राहुल गांधी जी लंदन में जाकर देशद्रोही की बात की है। मैंने कल एक अवार्ड लेने गए थे प्रोग्राम में, मैंने हुआ एक बात रखे थे, क्या रखे थे जानते हैं, मैंने कहा क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द गवर्नमेंट शुड नॉट बी कंस्ट्रूड एज ए कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट ए कंट्री। हम लोकतंत्र में रहते हैं, ये हमारा फर्ज बनते हैं, लोगों की समस्याओं को, लोगों की दिक्कतों को, लोगों की गुस्से को सारे सदन पे लाए और वहां सरकार को ध्यान आकर्षण करने के लिए हमें ये सदन के अंदर जो अवसर मिलते हैं उसको सही सलामत इस्तेमाल करें, ये हमारा फर्ज बनते हैं। आप लंदन में राहुल गांधी जी क्या बात रखे उसको लेकर सदन में आके शुरू की दिन से राहुल गांधी जी माफी मांगो नारा लगाना शुरू कर दिया। हिंदुस्तान में बहुत सारे वरिष्ठ लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, ज्ञानी पंडितों हैं, कभी आजादी के इतिहास में ऐसा कभी देखे हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी खुद सदन में आकर मंत्रियों को अगुवाई में सदन ठप कराते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि गणतंत्र के सबसे बड़ा महापंचायत होता है पार्लियामेंट, और वो पार्लियामेंट में आकर आप सदन को ठप कराते रोजाना, क्योंकि आपका एक ही टारगेट है,
आपका एक ही मकसद है कि राहुल गांधी जी की छवि को धूमिल कराओ किसी हालत में, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के उपरांत सारे हिंदुस्तान में राहुल गांधी जी की नया अवतार में लोगों ने उनको आविष्कार कर चुके हैं। राहुल गांधी जी हैज बीन डिस्कवर्ड बाय द पीपल ऑफ दिस कंट्री इन ए न्यू इनकारनेशन, यस इन ए न्यू इनकारनेशन। इसलिए घबराए हुए बीजेपी पार्टी मंत्रियों को अगुवाई में, कभी सुना है ना देखा है कि मंत्रियों की अगुवाई में सदन में सत्तारूढ़ पार्टी खुद सदन को ठप कराते हैं, वो भी सिर्फ राहुल गांधी जी की बदनाम करने के लिए। तो मैंने गया स्पीकर साहब के पास, मैंने गया सत्तारूढ़ पार्टी के मंत्रियों के पास, मैंने कहा ठीक है आपको लगता है कि राहुल गांधी जी देश विरोधी वक्तव्य पेश किए थे लंदन में, ठीक है फिर इस पर क्यों ना चर्चा हो जाए कि देश को भी पता चले राहुल गांधी जी किस बयान देश की खिलाफत के चलते और किस बयान देश की हित के लिए, ये भी तो लोगों को पता चले, दूध की दूध और पानी के पानी अलग हो जाए। इसलिए भी सदन के अंदर चर्चा की गुंजाइश है, कम से कम चर्चा तो कराए। हम राहुल गांधी जी को पेश करेंगे, आप भी आपके सारे मंत्रियों को पेश करो, सदन पे अंदर चर्चा हो और लोग तय करे राहुल गांधी जी सच कहा ये राहुल गांधी जी झूठ का, लोग तय करे, यही तो लोकतंत्र होते हैं ना। उससे भी डरे हुए ये सरकार भागे थे, तो ये सरकार अभी से भागने वाले सरकार में तब्दील हो गए। ये मुकाबला करने के वाला सरकार नहीं है, ये कहते हैं कि चीन चीन चीन। राहुल गांधी जी मुद्दा उठाई थी, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहते हैं, आज तक बताइए एक भी शिकायत सरकार के खिलाफ राहुल गांधी जी उठाई और वो ना साबित हुई सच, एक मुद्दा बताइए आप। राहुल गांधी जी मुद्दा उठाई थी नोटबंदी के चलते, सही साबित हुआ। राहुल गांधी जी मुद्दा उठाई थी जीएसटी के चलते, ये सही साबित हुई। राहुल गांधी जी मुद्दा उठाई थी कोविड के चलते, ये सही साबित हुई। आज राहुल गांधी जी मुद्दा उठाई थी चीन के खिलाफ, ये सरकार की कमजोरी, ये भी सच साबित हो चुकी है, क्योंकि हमारे विदेश मंत्री जयशंकर कहते हैं कि चीन के साथ लड़ने के लिए हमारा वित्तीय ताकत नहीं है। ये मैं नहीं, राहुल जी नहीं, खुद हिंदुस्तान के विदेश मंत्री कह रहे हैं। इसके मतलब क्या होते हैं, राहुल गांधी जी जो शिकायत लगे हैं एक के बाद एक शिकायत सच साबित होते जा रहे हैं। इसके बाद राहुल गांधी जी मोदी और अदानी के बारे में जो शिकायत दर्ज किए हैं वो भी साबित होते जा रहे हैं। आप जानते हैं अगर मोदी को सीना चीर के देखो अदानी मिलेगा, अदानी की सीना चीर के देखो मोदी मिलेगा। इसलिए हम लोग सदन के अंदर एक नया नारा तय कर लिए हैं, मोदानी मोदानी, अरे मोदानी मोदानी, मोदी और अंबानी, ये दोनों शरीर एक हो गए हैं, अब मोदानी बन गए हैं। ये मोदानी को तालाब की पानी पिलाने के लिए आइए अगले दिन सब एकजुट होकर, हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे नेत्री प्रियंका जी, इनको अगुवाई में हिंदुस्तान में हम एक 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 जंग छेड़ेंगे। ये जंग हिंदुस्तान की आज की तानाशाही की खिलाफत करते हुए ये तानाशाही की सरकार को खदेड़ने में सफल होगा, कामयाब होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।